अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर यूजर रिव्यू सीरीज फ्रॉम द अनबॉक्सिंग बर्नर। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं, दिस इज फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 2021 मॉडल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज सिग्मा 4 डीजल वेरिएंट 2.8 2800 सीसी ये गाड़ी है, जो कि डीजल वाला वेरिएंट है। ये इसके LED लाइट्स हैं जो कि इसकी बैक पे जो ब्रेक लैंप्स हैं, इसका बहुत खूबसूरत इसका दरमियान में जो फॉर्च्यूनर की क्रोम ट्रिम है, बहुत खूबसूरत इसका वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी भी है। एंड दिस कम्स विद द ब्रेक लाइट्स और उसके नीचे बड़े खूबसूरत इसके रिफ्लेक्टर्स हैं और ऑन द अदर साइड एज वेल हमारे रिफ्लेक्टर्स में इंस्टॉल हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। उसके अलावा ये बैक वाइपर है इस गाड़ी पे और ये ऊपर इसके स्पॉइलर है और स्पॉइलर के ऊपर इसकी ब्रेक लाइट है और उसके ऊपर मुझे छोटा सा नज़र आ रहा है जो कि इसका अपना शार्क एंटेना, बड़ा एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट जो कि अब हर गाड़ी में आ चुका है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम द बैक। बैक की थोड़ी सी एक और इन एडिशन आपको चीज़ बताता चलूँ, जो कि 2021 मॉडल की एक बड़ी खूबसूरत अपग्रेड है, इसका बूट ओपनर इज़ ऑटो। यू जस्ट प्रेस द बटन एंड सी दिस इज़ हाउ इट ओपन्स द बूट, बहुत खूबसूरती के साथ इट गोज़ अप एंड इसी तरह स्विच डाउन। दिस इज़ वॉट वी हैव और उसी तरह इसका क्लोजर बटन यहाँ पर है जो कि इसे पिछले वेरियंट्स में नहीं था। यहाँ से जस्ट प्रेस दिस इन एंड दिस गोज़ डाउन। ये है फॉर्च्यूनर 2.8 डीजल सिग्मा 4। सिग्मा 4 इज़ फुल ऑप्शन कार। इसकी साइड पर बात करते हैं, इसके 18 इंचज एलॉय व्हील्स हैं जो कि स्टॉक हैं, इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा हुआ। और उसके बाद इन एडिशन इसके साइड पे बात की जाए, ये जो इसके ब्लैक पट्टी बड़ी खूबसूरत दी हुई है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बड़ी खूबसूरत आ रही है इसके साथ। और इसके वही क्रोम हैंडल्स इसके साथ उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, क्रोम हैंडल्स एज दिस इज़ अ कीलेस एंट्री सो वी हैव दीज बोर्ड्स ऑन इसके साथ साथ। और इसके साइड मिरर्स वगैरह आ जाते हैं, साइड मिरर पर वही खूबसूरत LED इंडिकेटर्स इसके साथ साथ आ रहे हैं और इसका फ्रंट पर भी वही खूबसूरत किस्म के लुक इस गाड़ी की आप देख सकते हैं। अब अगर हम गाड़ी के फ्रंट पर आ जाते हैं, दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द कार। इस गाड़ी की हेडलाइट्स ओवरऑल इन्हांस कर दी गई हैं, इट्स नॉट विद द ओल्ड मॉडल्स, इट्स अपग्रेडेड 2021। सबसे पहले इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं, दिस ग्रिल इज़ इम्प्रूव्ड, फ्रंट ग्रिल अपग्रेड कर दी गई है। फ्रंट ग्रिल के साथ इसके हेडलैम्प्स जो हैं, हेडलाइट्स चेंज कर दी गई हैं, हेडलाइट्स के साथ ये सिल्वर ट्रिम बहुत खूबसूरत आ रहा है। और उसके साथ इसके फॉग लैम्प्स वगैरह आते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज लेकिन वर्क्स परफेक्टली ब्यूटीफुल। कभी रात का व्यू हम आपको इसका दिखा सके वो ज़रूर शेयर करेंगे। सेम गोज़ ऑन दिस साइड, दीज आर द हेडलैम्प्स और उसके साथ इसके नीचे वही हमारे पास बड़े खूबसूरत फॉग लैम्प्स हैं। और इन एडिशन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये इसके साथ नीचे इसके DRL लैम्प्स हैं, बहुत खूबसूरत DRL लैम्प्स हैं और बहुत अच्छी पोजीशन भी दी हैं जब गाड़ी में ये DRL लैम्प्स ऑन होते हैं। अभी मैं आपको ये DRL लैम्प्स भी दिखाऊंगा कि ये जलते हुए कैसे लगते हैं। और इन एडिशन दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार, बहुत खूबसूरत लुक है इसकी और सिल्वर जो क्रोम ट्रिम आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत आ रहा है इसके साथ साथ। इसकी साइड की बात करें, द सेम एज द अदर वन, बहुत खूबसूरत क्रोम ट्रिम के साथ ये सारी चीज़ है। अभी मैं आपको इसके DRL रैंप्स दिखाता हूँ, हाउ डू दे लुक। अच्छा जी, अब हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया सो दैट मैं आपको इसके DRL लैंप्स दिखा चुका हूँ और इसके फ्रंट लुक दिखा सकूँ। प्लीज़ हैव अ लुक एट दीज DRL लैंप्स। डे लाइट में बहुत हल्के लग रहे हैं लेकिन दे ग्लो सो ब्यूटीफुली माशाल्लाह। दिस इज़ अ लुक फॉर द DRL लैंप्स फॉर दिस साइड एंड फॉर द अदर साइड। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके 18 इंच अलॉय व्हील्स हैं, टायर साइज इस पर डिफॉल्ट लगा हुआ है, ये 255/50/18 इंच का अलॉय व्हील है और 255/50 टायर का साइज़ है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी का आपको अंदर से दिखाते हैं कि हाउ डज इट लुक फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा जी, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसके दरवाजे की साइड जो कि इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोलर्स हैं, जिसमें आपके रिट्रैक्टेबल मिरर के ऑप्शंस हैं, साइड मिरर एडजस्टमेंट्स हैं और डोर ऑटो लॉक और अनलॉक के सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स हैं। और उसके अलावा देर वी कम ऑन दिस साइड, इस साइड के ऊपर अगर हम बात करते चलें, इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसके एडजस्टर्स हैं जिसे सीट हम आगे पीछे कर सकते हैं। हैव अ लुक जी, दैट्स हाउ इट परफॉर्म्स, दिस इज़ क्वाइट इजी एंड क्वाइट हेल्पफुल। पुश स्टार्ट इंजन है इसका। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, इस गाड़ी का स्पीडोमीटर बहुत खूबसूरत है, इसको भी अपग्रेड कर दिया गया है, बहुत खूबसूरत लाइट्स और बहुत खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इसके स्टेयरिंग की बात करें, बड़े खूबसूरत मल्टीमीडिया कंट्रोलर्स हैं इसके, जो कि इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जिसमें हमारा वॉल्यूम अप डाउन है, जिसके सारे मोड्स हैं और उसके अलावा इसके साथ साथ ये हमारे सिलेक्शन मेन्यू है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव ओवर हियर। बाकी और अगर इसके डैशबोर्ड की बात करें, इसके अंदर एंड्रॉयड स्क्रीन है बहुत खूबसूरत किस्म की और बड़ी खूबसूरती से इसके इंटीरियर के अंदर ये जो लेदर का ट्रिम डाला गया है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसके क्रोम ट्रिम के साथ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रिम। ये AC के वेंट्स हैं इसके जो बड़ी खूबसूरती से इसको कवर किया गया है इसके डैश के नीचे। और उसके साथ साथ इन एडिशन दिस कार कम्स विद अ कूल बॉक्स, दिस इज़ द कूल बॉक्स, ये इस गाड़ी का कूल बॉक्स है। और बाकी ये नीचे इसका डैशबोर्ड है जो कि दैट यू ऑल नो
बट इन एडिशन इट कम्स विद द कूल बॉक्स इन द डैशबोर्ड, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे इसके कंट्रोल्स हैं एसी के, एसी के कंट्रोल्स होने के साथ साथ अब ये हमारी आ जाती है गियर नॉब। इस गियर नॉब दिस अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल गियर नॉब जिसको, और बहुत अच्छी ऑपरेशनल है, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशनल है माशाल्लाह। और उसमें इन एडिशन ये हमारे ड्राइविंग मोड्स हैं, जो कि इको मोड है, नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट्स मोड सपोर्ट करता है, और या साथ ही ट्रैक्शन और बाकी हिली एरिया के ऑप्शन हमारे इसके साथ मौजूद हैं। इसके रूफ़ के तरफ अगर आ जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं इसकी रूफ़ के ऊपर, और ये इसका हमारा सनग्लासेस होल्डर है, जो कि अनदर गुड थिंग दैट वी हैव इन द कार। और इसकी बैक पे अगर हम आ जाते हैं, बैक पे भी इसी तरह की एक बड़ी खूबसूरत किस्म की लाइट ऑन द रूफ अवेलेबल है। दिस इज़ द एंटायर रूम ऑफ द कार, दिस इज़ द हीटेड सीट दैट वी हैव, और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट दोनों हीटेड सीट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल हैं। सो कोई हासिल नहीं है आपको सीट पे बैठ के पुश फॉरवर्ड पुश बैक करने के लिए, यू हैव ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल। और इन एडिशन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये इस गाड़ी के पैडल शिफ्टर्स हैं, ये पैडल शिफ्टर यहाँ से, और ये दूसरा गियर अप गियर डाउन करने के लिए पैडल शिफ्टर्स हैं, बहुत खूबसूरती से वही इंस्टॉल एक जो हमारा नया पैडल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है उसके साथ ये एडेड है। दिस लुक्स रियली वेरी नाइस विद दैट एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार बाय इटसेल्फ। बाकी इस गाड़ी के मजीद रिव्यू के लिए स्टे ट्यून्ड विद द अनबॉक्सिंग बर्नर, अनबॉक्सिंग बर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप अपडेट साथ साथ रह सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।